नमस्कार, मैं हूं शिखर दीप और आप देख रहे हैं केसरिया न्यूज। शहर में चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लेकिन पीएम मोदी के कहने पर सभी नेता साफ सुथरी जगह पर जाकर फोटो सेशन करने में लगे। ऐसा ही कुछ हाल टीकमगढ़ का भी है, जहां सफाई कर्मी पिछले काफी दिनों से हड़ताल पर है, लेकिन नेता लोग लगे हैं फोटो सेशन। ऐसे कैसे चलेगा नेताजी, तो आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। गांधी जयंती के पूर्व एक घंटे के श्रमदान को लेकर नरेंद्र मोदी द्वारा अपील की गई थी कि उसको लेकर आज स्वच्छता अभियान चलाया गया है, लेकिन आपको बता दें कि टीकमगढ़ नगर में सफाई कर्मचारियों के हड़ताल के चलते शहर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और स्वच्छता अभियान को लेकर आज तमाम बड़े नेताओं द्वारा साफ जगह पर झाड़ू पकड़कर फोटो खिंचवाते नजर आए, जबकि शहर में गंदगी का अंबार है। उन्हें वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अभियान चलाना है तो फोटो भी तो खिंचवाना है और मीडिया पर भी आना है। इसी के चलते उनके द्वारा साफ जगह को चुनकर सिर्फ दिखावे कर फोटो खिंचवा कर अभियान चलाया जा रहा है, और शहरवासी इस गंदगी से परेशान हो रहे हैं। इस कचरे को पड़े हुए 6 से 7 दिन हो चुके हैं और बदबू के मारे लोगों का निकलना भी मुश्किल हो रहा है। डॉक्टर से जब इस विषय में बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि इस मौसम में गंदगी में काफी सारे बैक्टीरिया पनपते हैं, जो लोगों के लिए बीमारी का सबब ना बन जाए के चलते लोगों को मलेरिया है या उल्टी दस्त जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर जल्दी ही सफाई नहीं की गई तो नगर इन बीमारियों की चपेट में आ सकता है, जो एक गंभीर बात हो सकती है। इसलिए शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। एक ओर नेता फोटो खिंचवाने में मस्त है, दूसरी ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। गौरव जी, आपसे पूछना चाहूँगा, जो सफाई अभियान चलाया गया भाजपा का, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? एक दिखावटी सफाई अभियान आज भाजपा के द्वारा चलाया गया, जिसमें जहाँ पर पहले से ही सफाई थी वहीं पर झाड़ू लेकर भाजपा के नेता लोग खड़े हो गए। आज आप देखें 7 दिन से हमारे यहाँ के पूरे प्रदेश के सरकारी सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिनकी ना कोई खोज खबर लेने वाला है, ना पूछने वाला है, ना सुनने वाला है, और ये फोटो खिंचवाने के लिए चलाया गया। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे केसरिया न्यूज़।